गुड कैमरा बट बैड फोटोज़। दोस्तों इमेजिन करिए, आपने अपने लिए एक अच्छा महंगा कैमरा ख़रीदा है और जब आपने उसे इस्तेमाल करना शुरू करा तो आपने देखा कि उससे जो पिक्चर्स निकल के आ रही हैं वो बहुत ही बुरी पिक्चर्स हैं, बहुत ही आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको फीलिंग हो रही है कि आपने इतना महंगा कैमरा ख़रीदा बट फोटोज़ जो हैं वो बहुत ही बैड हैं। और ये सिचुएशन किसी भी फोटोग्राफर के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है और काफ़ी सारे बिगनर फोटोग्राफर्स या काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स से मुझे इस चैनल पर बोला कि सर एक इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए ताकि हमको ये समझ आए कि हमने जो इतना महंगा कैमरा लिया है क्या कारण है कि फोटोज जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे पांच रीजंस की, जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है स्पेशली बिगनर फोटोग्राफर्स के साथ। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। रीजन नंबर वन, रिलाइंग टू मच ऑन ऑटो मोड। देखिए ऑटो मोड का क्या मतलब है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑटो मोड जो है उसे डिजाइन किया गया है कि आपका कैमरा उस सीन के बारे में क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं वो नहीं, कैमरा क्या सोचता है। यानी कि अगर मैंने अपने कैमरा को ऑटो मोड पे डाला है और मैं इस तरह से अपने सीन को कैप्चर करने की कोशिश करूँ तो जो सीन मुझे दिखाई दे रहा है ज़रूरी नहीं है कि ऑटो मोड पे एग्जैक्टली वही सीन निकल के आए, क्योंकि जो आपने ऑटो मोड पे डाला है तो कैमरा क्या सोच रहा है वो कैमरा अपने हिसाब से एक्सपोजर ट्रायंगल लगाता है, यानी कि शटर स्पीड, ISO और आपका जो अपर्चर वो कैमरा खुद तय करता है और फोटो क्लिक कर देता है आपके लिए। तो इन दैट केस क्या होता है कि कई बार कैमरा ठीक ढंग से नहीं सोच पाता, उसकी जो एक्यूरेसी है वो करेक्ट नहीं होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने लो लाइट में पिक्चर लिया है लेकिन ISO काफ़ी हाई कर देता है जिससे आपकी फ़ोटोज़ में जो है ग्रेन्स आ जाते हैं और पिक्चर थोड़ी सी ब्लर या बहुत ही लो क्वालिटी की नज़र आने लगती है और आपको लगता है पता नहीं मेरा कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा या क्या वजह है। इसी तरह से जो है अगर आप कई बार ऑटो मोड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर ऑटो मोड कई बार गलती से शटर स्पीड जो है वो आपकी लो पे ले जाता है और आपका पिक्चर के अंदर जो है थोड़ा सा ब्लर मोशन या ब्लर वाला इफेक्ट आ जाता है जिससे इमेज जो है वो टैक शार्प नहीं दिखती और आपको लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे कैमरा के अंदर। तो क्या कारण है कि जब आप ऑटो मोड पे शूट करते हो तो कुछ भी तय नहीं है, हर चीज़ कैमरा तय कर रहा है, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैमरा तो आपने ख़रीद लिया लेकिन उसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है उसको जानना आना चाहिए। तो यहाँ पर आप पहले जानिए शटर प्रायोरिटी मोड क्या है, थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करिए, फिर आप जानिए कि अपर्चर प्रायोरिटी मोड क्या है, थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करिए, एंड लास्ट में आपको जाना पड़ेगा मैनुअल मोड पे। सो मैनुअल मोड है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैनुअल मोड को मैं थोड़ा सा सरल भाषा में समझा देता हूँ, जहाँ पर आप खुद ISO तय करते हैं क्या लाइटिंग की कंडीशन है उसके हिसाब से आप खुद जो है शटर स्पीड तय करते हैं कि क्या आप एक्शन शॉट ले रहे हैं तो शटर स्पीड को ज़्यादा तेज़ी से रखना है एक्शन को फ्रीज करने के लिए, या अगर आपको मोशन ब्लर वाले पिक्चर शूट कर रहे हैं तो क्या आपको जो है शटर स्पीड को कितना नीचे लेके जाना है और किस तरह से मोशन ब्लर को जो क्रिएट करना है इमेजेस के अंदर, या फिर अगर आप कई बार पैनिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं तो शटर स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे कि पीछे का बैकग्राउंड है उसमें तो मोशन आए और सब्जेक्ट आपका बिल्कुल जो है इन कैमरा फोकस में आए। तो यहाँ पर हर चीज़ आप मैनुअली सेट कर रहे हैं। इसी तरह से अपर्चर को आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा कि आपको कितना बैकग्राउंड में कितनी डेप्थ दिखानी है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड दिखानी है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, बोके निकालना है, तो आपको अपर्चर कितना रखना पड़ेगा, या सारे सीन जो है वो आपको कैप्चर करना है तो आपको अपर्चर कितना रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट अगर आपको कैमरा को ठीक से इस्तेमाल करना है तो आपको मैनुअल मोड पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था दोस्तों 2-3 साल पहले, वो देखिए मैंने यहाँ लगा दिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस वीडियो को हर बिगनर फोटोग्राफर को ज़रूर देखना चाहिए, वो शायद 15-18 मिनट का वीडियो है बट वहाँ मैंने पूरा डेमो के साथ में एक एक चीज़ को बहुत ही खुल के बहुत ही डिटेल में समझाया है विद फोटोशूट के साथ, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके पास चाहे महंगा कैमरा हो चाहे सस्ता कैमरा हो बट आपकी फोटोज जो हैं वो बेहतरीन निकल के आएंगी। तो इस वीडियो को आप देखिए ज़रूर। रीज़न नंबर टू, पुअर लाइटिंग। अब देखिए लाइटिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, मैं कितने सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि फोटोग्राफी इज़ नथिंग बट अ गेम ऑफ लाइटिंग। तो आपके पास में कितना भी अच्छा कैमरा, कितना भी एक्सपेंसिव कैमरा क्यों ना हो, अगर आपके फोटोज़ डार्क आ रहे हैं या काफ़ी ब्राइट आ रहे हैं या काफ़ी फ्लैट आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइटिंग है वो बहुत ही पुअर है। यानी कि आपने एक एक्सपेंसिव कैमरा से
पुअर लाइटिंग में भी आप शूट करेंगे तो वो एक्सपेंसिव कैमरा उस फोटो को खूबसूरत नहीं बना सकता। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा है लेकिन आपने एक सही लाइटिंग कंडीशन में अपने सब्जेक्ट को शूट किया है तो वो एक्सपेंसिव कैमरा से अच्छी पिक्चर उसमें निकल के आ सकती है। इन शॉर्ट, लाइटिंग इज एवरीथिंग, वेदर यू आर यूजिंग अ बिगनर लेवल कैमरा और यू आर यूजिंग अ मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरा। अगर आपको लाइटिंग का नॉलेज नहीं है तो आपकी फ़ोटोज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएंगी। अब देखिए, एक बिगनर के लिए मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि नेचुरल लाइट इज़ द बेस्ट लाइट। तो आप बाहर जाइए या तो आप शूट करिए सनराइज़ होने के कुछ देर के बाद में, जिसे हम कई बार कहते हैं गोल्डन आवर, जहाँ पे लाइट काफ़ी जो है वार्म होती है, लाइट काफ़ी सॉफ्ट होती है, या सनसेट से थोड़ा पहले, तब भी आपको लाइट थोड़ी सी वार्म या आपको सॉफ्ट लाइटिंग मिलेगी, जो एक तरह से जैसे स्टूडियो में सॉफ्ट बॉक्स लगाते हैं बिल्कुल उस तरह की लाइटिंग जो है वो आपको नेचुरल लाइट में मिल जाती है। अगर आप इंडोर में शूट कर रहे हैं तो आप विंडो लाइटिंग को इस्तेमाल करिए। विंडो लाइटिंग इज़ अ ब्यूटीफुल लाइटिंग जिसको आप इस्तेमाल करके बेहतरीन फोटोज़ निकाल सकते हो। यहाँ कुछ पिक्चर आप देख पा रहे हो जो मैंने विंडो लाइटिंग में ली है, इस पर मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया था, और ये कुछ पिक्चर आप देख पा रहे हो जो मैंने एक परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन में एक रीजनेबली गुड कैमरा के साथ में ली है। वो फोटोज़ कितनी अच्छी निकल के आई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ग्रेट फोटोज़ है, बट दीज फोटोज़ आर नीट एंड क्लीन, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा कि यार मैंने कैमरा में इतना पैसा डाला तो मुझे रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज मैंने लाइटिंग का बहुत ध्यान रखा। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि पुअर लाइटिंग जो है वो आप कितना भी एक्सपेंसिव कैमरा यूज़ कर लो, वो आप उस एक्सपेंसिव कैमरा से अच्छी फ़ोटोज़ नहीं निकाल सकते। सो जब भी आप कोई भी फ़ोटो लें, आप वहाँ पर पहले तय करें कि आपकी लाइटिंग कंडीशंस वहाँ पे कैसी है। और कई बार आप क्रिटिकल लाइटिंग कंडीशंस में शूट कर रहे हैं या लाइटिंग कंडीशन आपके सीन के हिसाब से या आपके जिस सब्जेक्ट को आप ले रहे हो उसके हिसाब से ठीक नहीं लग रही है, तो वहाँ पर आप एडिशनल लाइट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट है, स्टूडियो लाइट्स है, स्टूडियो स्ट्रोब है, आउटडोर फ्लैश है, जिसकी मदद से आप लाइटिंग को करेक्ट भी कर सकते हो। अब इसके ऊपर ही मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं आउटडोर फ्लैश को लेके, या नेचुरल लाइट और फ्लैश को कैसे मिक्स करते हैं, या स्टूडियो के अंदर हम लाइटिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, तो आप देख पाएंगे किस तरह से हमने लाइटिंग को करेक्ट किया है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर और बेहतरीन पिक्चर्स जो हैं वो अचीव किए हैं। रीज़न नंबर 3, इनकरेक्ट फोकस सेटिंग्स। अगर आपकी पिक्चर्स ब्लरी हैं, शार्प नहीं आ रही हैं, क्रिस्प नहीं आ रही हैं, तो हो सकता है 90% आपकी फोकस सेटिंग्स हैं वो ठीक नहीं हैं। अब देखिए, फोकस सेटिंग्स हर कैमरा में अलग अलग होती है। अगर आप स्टिल सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो वहाँ पे आप सिंगल पॉइंट फोकस रख सकते हैं। जहाँ पर कुछ हलचल है या मूविंग सब्जेक्ट्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कंटिन्यूस फोकस वाली सेटिंग्स जो है वो आप रख सकते हैं, जिससे आप आसानी से अपने फ़ोटोज़ को बहुत ही शार्प और क्रिस्प निकाल पाओगे। अब देखिए, होता यह है कि जब हम कैमरा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, नए नया कैमरा आता है, जोश में आते हैं और फ़ोटोज़ लेना शुरू करते हैं, तो एक्साइटमेंट के अंदर हम कई बार अपनी फोकस सेटिंग को ध्यान देना ही भूल जाते हैं कि भाई फोकस कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, इस तरह से अगर मैं कोई मॉडल का शूट कर रहा हूँ जहाँ मॉडल मेरा बहुत ही स्टिल है, एक ही जगह पे खड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ मैं सिंगल पॉइंट फोकस रखता हूँ और आसानी से अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से कैप्चर कर पाता हूँ। और आप देख पा रहे हो फोकस कितना टेक शार्प मिला है, इमेज एकदम टेक शार्प निकल के आई है और लाइटिंग कंडीशन भी यहाँ पे ठीक है और मैनुअल मोड पे भी मैंने शूट किया है, सो द पिक्चर इज लुकिंग फैबुलस। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग सेटिंग्स यूज़ करूँगा, कंटिन्यूस फोकस यूज़ करूँगा, तो थोड़ा बहुत भी मूवमेंट होगा मॉडल में तो फोकस यहाँ से वहाँ हंट करेगा और हो सकता है कि मॉडल का कुछ पार्ट बॉडी का या कुछ पिक्चर के अंदर हल्की सी जो है मोशन आ जाए और जो फोकस गलत फोकस सेटिंग्स की वजह से जो है इमेज मेरी क्रिस्पी ना मिलके जो है इमेजेस मेरी ब्लरी आए। तो इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब भी शटर रिलीज बटन दबाते हैं फोकस करने के लिए तो आप देखिए ऐसा देख रहे हैं, तो आप हाफ प्रेस जरूर करिए ताकि आपका फोकस जो है वो करेक्टली जो है आपका ठीक से सब्जेक्ट पे लॉक हो, और लॉक होने के बाद आप फिर जो है शटर को बताइए, शटर को रिलीज करिए, जिससे आपकी पिक्चर्स जो है टैग शार्प आए। तो बहुत ही मोटा मोटी बात यह है कि जो फोकस सेटिंग्स है वो आपकी करेक्ट होंगी तो पिक्चर्स आपको क्रिस्प और शार्प मिलेंगी, और क्रिस्प फोटोज जो है वो किसको अच्छी नहीं लगती। अब आपको ये सीखना है कि किस तरह से फोकस मोड का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है यहाँ पर, उस वीडियो में आप जाइए, वहाँ मैंने पूरा डेमो करके दिखाया अलग अलग फोकस मोड्स पे, जिससे आप सीख पाएंगे कि करेक्ट फोकस सेटिंग्स किस तरह से यूज की जाती है अलग अलग सिनेरियोज के अंदर। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। रीजन नंबर 4,
चूजिंग रॉन्ग लेंसेज। अब देखिए रॉन्ग लेंसेज से मेरा क्या मतलब है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। कैमरा तो बहुत अच्छा लेते हैं बट जब बात आती है लेंसेज की तो वहाँ पर वो कई बार बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर जाते हैं। देखिए अलग अलग तरीके के लेंस आते हैं जो अलग अलग पर्पज़ है वो आपका सॉल्व करते हैं। तो आसान भाषा में इसे हम समझें तो बिगनर के लिए मैं खासतौर पर बोल रहा हूँ तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप को लैंडस्केप लेने हैं तो आपको वाइड एंगल लेंस यूज़ करने पड़ेंगे, आपको अगर हेडशॉट्स पोर्ट्रेट्स लेने हैं, आपको कैंडिड शॉट्स लेने हैं अच्छे खूबसूरत, तो आपको वहाँ पे टेलीफोटो लेंस लेने पड़ेंगे। या अगर आपको जो है थोड़े से मिड शॉट्स चाहिए मॉडल्स के तो वहाँ पर आपको जो है इस तरह के लेंस लेने पड़ेंगे जो कि 35mm टू 50mm के बीच में के फोकल लेंथ वाले लेंसेज हैं, वो ज़्यादा अच्छे से उस तरह का पर्पज़ सॉल्व करते हैं। सो ओवरऑल अगर आपने लेंसेज बराबर से नहीं यूज़ किए अपने कैमरा के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आप एक वाइड एंगल लेंस आपने लगा रखा है और आप उस पर शूट करना चाह रहे हो पोर्ट्रेट, तो क्या होगा उसमें डिस्टॉर्शन आएगा और पिक्चर आपको बहुत ही अजीब सी दिखाई देगी, जिससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लगता है कि यार मेरा कैमरा कुछ ठीक नहीं है। बहुत सारे बिगनर को एक गलत फहमी रहती है कि यार मेरा कैमरा ठीक नहीं है, जबकि उन्होंने गलत लेंस यूज़ किया है। सिमिलरली अगर आप कोई इंटीरियर फोटो ले रहे हैं और वहाँ पे आपने टेलीफोटो लेंस यूज़ किया है, स्पेस ऑलरेडी बहुत टाइट है और वो कहेंगे यार मैंने तो आर्किटेक्ट की मैगजीन में बड़े खूबसूरत वाइड एंगल शॉट्स लिए थे लेकिन मेरे शॉट्स खूबसूरत दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो लेंस का कमाल है बिकॉज वो लेंस इतना वाइड है जिससे पूरा रूम कवर हो रहा है, या लैंडस्केप अगर ले रहे हैं तो उससे पूरा लैंडस्केप जो है वो पूरा अच्छे से उसके अंदर कैप्चर हो रहा है। लेकिन उसी लेंस अगर आप टेलीफोटो लेंस पे इस तरह का कोशिश करेंगे तो वो सीन उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो आपको ये समझना है किस सिचुएशन में आपको कौन सा लेंस यूज़ करना है, आपका पर्पस क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है। पोर्ट्रेट ले रहे हो तो आप 85mm टू 135mm के लेंस यूज़ करिए, आपको पिक्चर्स अच्छी मिल जाएंगी। आप अगर यूज़ कर रहे हो फुल लेंथ पिक्चर्स तो 35mm 24mm की फोकल लेंथ वाले लेंसेज बहुत ही अच्छे रहेंगे स्टूडियो के अंदर। अगर आपको सीन और आपको मॉडल दोनों कैप्चर करना है तो भाई 24 टू 70mm की फोकल लेंथ बहुत अच्छी होती है जहाँ पर आप इस तरह के शॉट्स ले सकते हैं। सो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि राइट लेंस को चूज़ करना अकॉर्डिंग टू योर शॉट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि किस वक्त कौन सी फोकल लेंथ यूज़ करनी है, कौन सी फोकल लेंथ उस पर्टिकुलर शॉट के लिए परफेक्ट रहेगी। तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िए। फोकल लेंथ पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया दोस्तों, तो उस वीडियो को भी आप देखिए, उसे लगा दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट रीज़न नंबर 5, पुअर कॉम्पोजिशन। अब देखिए पुअर कॉम्पोजिशन मेरा क्या मतलब है, चाहे आपकी लाइटिंग कितनी भी परफेक्ट हो, चाहे आपने करेक्ट लेंस का इस्तेमाल किया हो, चाहे आपकी मैनुअल सेटिंग्स परफेक्ट हो, चाहे आपकी फोकस सेटिंग्स भी एकदम परफेक्ट हो, लेकिन अगर आपकी कॉम्पोजिशन वीक है तो पिक्चर में वो इम्पैक्ट निकल के आता ही नहीं जो इम्पैक्ट आपको चाहिए होता है या जो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक अच्छा फोटोग्राफर अपनी इमेज को बहुत ही खूबसूरती से कंपोज करता है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होती है, जिससे उसकी फोटोज़ हैं वो थोड़ी अलग हटके दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर अच्छी कॉम्पोजिशन के लिए एज अ बिगनर आपको कुछ चीज़ों को सीखना ज़रूरी है जो कि जिसे हम बेसिक्स कहते हैं, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड्स है, लीडिंग लाइन्स है, फ्रेम कैसे करते हैं वगैरह वगैरह शॉट्स को। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा भी आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फ़ोटोज़ जो हैं वो काफ़ी बेटर होने लगेंगी, अच्छे पिक्चर्स आप कैप्चर कर पाएंगे। अब इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ पर जाइए इस वीडियो को देखिए जहाँ मैंने बताया है डेमो के साथ में बताया है किस तरह से जो है आपको ये सारे रूल्स को फॉलो करना होता है एक अच्छी कॉम्पोजिशन को निकालने के लिए। तो इस वीडियो को तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हैं, अब ये पिक्चर्स जो है मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की जब शुरुआत की थी उसके बाद लिए, तो ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही परफेक्ट पिक्चर्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बेसिक रूल्स का ध्यान रखा है अपनी अपने शॉट्स को फ्रेम करते वक्त। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी फोटो लें, किसी भी तरह का शॉट्स ले रहे हों, तो ज़रा 2 मिनट ठहरी शॉट लेने के पहले, सोचिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप क्या दिखाना चाहते हैं अपनी फ़ोटो के अंदर, या किस तरह का शॉट आप लेना चाहते हैं, या किस तरह का शॉट आपने अपने दिमाग में डिज़ाइन किया है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को एडजस्ट करिए, अपने मॉडल को खड़ा करिए, उसको बॉडी लैंग्वेज बताइए किस तरह से है, सारी चीज़ें तय करने के बाद तभी आप उसको अच्छे से फ्रेम करिए और आप देखेंगे कि आपका जो कॉम्पोजिशन है वो खूबसूरती से निकल के आएगा। तो आप इन 5 रूल्स जो मैंने 5 आपको रीजंस बताए, अगर आप इन 5 रीजंस को ठीक से फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे अपनी पिक्चर्स लेने से पहले, तो आई एम श्योर आपका जो न्यू कैमरा है या आपने जो भी महंगा कैमरा लिया है, जो भी जिस तरह का भी कैमरा लिया है, उससे आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, उससे आप काफ़ी अच्छी फोटो जो है वो ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।